सनराइज पब्लिक स्कूल के टीचर है और इनकी पूरी टीम आई हुई है यहाँ पे, और किस विषय में आई हुई है, किसी टॉपिक पे चर्चा होगा वो भी आप लोग से बताएंगे। सर लोग हैं, हाय सर, एक बार हाय कर दीजिए वीडियो में। सर है और इनका पूरा ग्रुप है, और ये हमारे अंकल भी है और सर भी है। तो आप किस चीज़ का प्रचार भी कर रहे थे? जी मेरा सिर पे लगा हुआ है बोर्ड, संपूर्ण हनुमान का और भगवत गीता का प्रचार करता हूँ। संपूर्ण हनुमान और भगवत गीता की बुक पहली बार लॉन्च हुआ है, बोलने वाला संपूर्ण हनुमान और भगवत गीता लॉन्च हुआ है, इसी का मैं प्रचार कर रहा हूँ, लोगों के घर घर तक पहुँचाने का हमारा संकल्प है। भाई लोग रास्ते में मिले थे और चैनल का नाम पूछे थे, बट ट्रैकर को हैकर कोई कर देता है और कुछ ट्रैक्टर कर देता है, इसलिए दिक्कत आ जाती है, सर्च में नहीं आ पाता है। तो अभी आए हैं भैया कन्फर्म करने के लिए चैनल का नाम क्या है। चैनल का नाम है ट्रैकर शिवा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे ऑडियंस की तरफ से आप सभी को हैप्पी वाला हैप्पी न्यू ईयर। हनुमान ग्रंथ है और गीता है, इसके बारे में सर डिटेल बताएंगे, आप लोग सुनिए। बताइए सर। ये दो ग्रंथ हमारे पास है, डिजिटल जो कि पढ़ने वाला था उसको डिजिटल बनाया गया है सुनने के लिए, हर व्यक्ति आसानी से सुन सकता है। ये संपूर्ण हनुमान और श्रीमद् भगवद गीता डिजिटल बना दिया गया है, टॉकिंग पेन है, बताइए इसको। इसी टॉकिंग पेन से, जैसा कि वो संपूर्ण हनुमान सुनने के लिए है, भगवद गीता सुनने के लिए, इसी टॉकिंग पेन के द्वारा सुना जा सकता है। पूरी किताब पढ़ के सुनाएगा और इसमें जो चित्र है उस चित्र का भी आवाज़ सुनाएगा। देखिए ये बांसुरी है, इतना अच्छा डिजिटल तरीके से हम आज पहली बार देख रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हमने कभी सोचा भी नहीं था कि देखिए यहाँ पे बांसुरी का फिगर बनाया हुआ है और इस बांसुरी में ये जो टॉकिंग, क्या नाम बताया इसका, टॉकिंग पेन है, तो बांसुरी का फिगर है, इस पर टच करने पे बांसुरी का वॉइस आ रहा है। इसमें जो जिस पेज पे जो चीज़ बनाया गया है उस पर टच करने पे उसके बारे में ये टॉकिंग पेन बताया। टच करके दिखाइए। अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जिस समय तुम्हारा यह विचलित मन शांत हो जाएगा और बुद्धि परमात्मा के स्वरूप को समझ लेगी, समझो उस समय तुमको दिव्य चेतना प्राप्त हो गई। अभी देख, अभी आपने देखा जिस श्लोक पे भैया ने टच किया टॉकिंग पेन को, उस श्लोक के भावार्थ को आपके सामने रख दिया। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, आप लोग जरूरी से परचेज करिए और इसका लाभ उठाइए। साथियों ये है संपूर्ण हनुमान ग्रंथ बना है जो डिजिटल बनाया गया है, ये टॉकिंग पैड है, इसी से सुनना है इसको। अब देखिए आसानी से सुन सकते हैं, टच करके ही स्टार्ट हो जाएगा। पहला श्लोक मंगल भावना से शुरू होता है, सारे श्लोक पढ़ेगा उसका अर्थ भी बताएगा, जिस चित्र पर रखते हैं उस चित्र पर श्लोक बोलता है। हाथ पद्म और ध्वजा विराजे, कांधे मूंद चले उसाजे। इसी श्लोक वगैरह पर टच करिए। टाइम फॉर म्यूजिक। देखिए हाथ पद्म और ध्वजा विराजे, कांधे मूंद चले उसाजे। इसके अर्थ पर टच करेंगे तो अर्थ भी बताएगा। आप अपने हाथों में वज्रायुध गदा और विजय ध्वज पताका धारण करते हैं। अगर कोई हमारा ऑडियंस अगर इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहे तो क्या उसके लिए कोई वेबसाइट है? हाँ सर, वेबसाइट है। इसका मतलब अगर आप लोगों को ये पसंद आए और ये चीज़ लेना हो तो आप ट्रैकर सिवा पे आप कमेंट करिए और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में आपको हम नंबर दे देंगे, जिसको भी हनुमान ग्रंथ और गीता का यह बुक लेना है डिजिटल बुक, जो किताब बोलती है, पेन से टच करिए श्लोक के ऊपर या उसके अर्थ के ऊपर, सब कुछ आपको सुनाई देगा। अगर आप अनपढ़ हैं फिर भी पूरी गीता को पढ़ सकते हैं। तो जिसको भी पसंद आए, डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर है, उनसे कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हैं। धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और इस तरह से सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमने ये देखा कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने हनुमान ग्रंथ और गीता की बुक खोली और उसके कुछ लोग बजने लगे, सारे लोग गायब हो गए। तो भले वो लोग हिंदू हैं बट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम यहीं पे मजाक मस्ती वाली वीडियो बना रहे थे, पूरी भीड़ लगी हुई थी, और जहाँ हम लोगों ने गीता का प्रचार और थोड़ा सा सर का हनुमान ग्रंथ का प्रचार कर दिया, सभी लोग गायब हो गए। क्या कहना चाहेंगे इसको? धर्म के प्रति रुचि बहुत कम होती जा रही है जनता का, तो इसीलिए ये
श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने डिजिटल बनाया है कि इसके प्रति रुचि बढ़े और धर्म सनातन धर्म को ऊंचा उठाया जाए, हर घर में इसका ग्रंथ का अध्ययन किया जाए।